फॉर न्यूज। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। माना जा रहा है कि प्रद्युमन हत्याकांड में इस छात्र की कोई न कोई भूमिका जरूर है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में लेने से पहले सीबीआई अधिकारियों ने उससे 4 से 5 बार पूछताछ की थी। वहीं आरोपी 11वीं के छात्र के पिता ने सीबीआई की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। माना जा रहा है कि प्रद्युमन हत्याकांड में इस छात्र की कोई ना कोई अहम भूमिका जरूर है। वहीं छात्र को हिरासत में लेने को लेकर सीबीआई की ओर से थोड़ी देर बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। आरोपी छात्र को हिरासत में लेने से पहले सीबीआई अधिकारियों ने उससे 4 से 5 बार पूछताछ की थी। वहीं आरोपी के पिता ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कबूल किया है कि उनके बेटे से सीबीआई टीम के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। वहीं आरोपी छात्र से गुरुग्राम पुलिस भी जाँच के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करा चुकी है। आरोपी छात्र के पिता ने ये भी बताया कि उनका बेटा प्रद्युम्न को जानता तक नहीं था। पिता का ये भी कहना है कि सबसे पहले उनके बेटे ने ही माली को प्रद्युमन के साथ हुए हादसे की बात बताई थी। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पहचान सच्चाई की। हिमांशी उपाध्याय, राइव 24 न्यूज़।